दोस्तों, आप सभी माँ जगदम्बा देवी दुर्गा के बारे में तो जानते ही होंगे। शक्ति स्वरूपा देवी दुर्गा ने समस्त लोगों के कल्याण के लिए तथा दुष्ट दानव के विनाश के लिए कई बार अपने अलग अलग रूप धारण किए थे। देवी दुर्गा आज भी अपने भक्तों का कल्याण करती है, इसलिए आज भी उनके कई रूपों की पूजा की जाती है। स्पेशली नवरात्रि के 9 दिन देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। आज के वीडियो में हम देवी के उन 9 रूपों के बारे में डिस्कस करेंगे। नवरात्रि के पहले दिन माँ की जिस रूप की पूजा की जाती है उसका नाम है शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय की यहाँ पुत्री रूप में जन्म लेने के कारण इनका नाम शैलपुत्री है। शैलपुत्री अपने पूर्व जन्म में ब्रह्म जी की मानस पुत्र प्रजापति दक्ष की पुत्री थी। तब इनका नाम सती था और इनका विवाह महादेव के साथ ही हुआ था। परंतु देवी सती ने अपने उस जन्म में अपने पिता के यज्ञ के हवन कुंड में अपना दह करके अपना शरीर को त्याग किया था। देवी सती का दूसरा जन्म शैलपुत्री के रूप में हुआ और इनका विवाह भी महादेव के साथ हुआ था। देवी शैलपुत्री को हम देवी हेमवती और देवी पार्वती के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, वृषभ यानी बेल पर सवार देवी शैलपुत्री के राइट हैंड पर त्रिशूल और लेफ्ट हैंड पर लोटस रहता है। इनकी उपासना करने से मनुष्य को शक्तियाँ मिलती हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा का ब्रह्मचारिणी रूप की पूजा की जाती है। ये ब्रह्म शब्द का अर्थ है उपासना। ब्रह्मचारिणी अर्थात तप की चारिणी। देवी सती ने जब शैलपुत्री के रूप में दूसरा जन्म लिया था तब सभी मनुष्यों की तरह उन्हें भी कोई भी घटना याद नहीं थी और उधर भगवान शंकर अपनी पहली पत्नी सती के शोक में डूबे हुए थे। तब देवताओं ने भगवान शिव को शोक से बाहर लाने के लिए शैलपुत्री को उनके पत्नी बनाने का विचार किया और देवर्षि नारद को शैलपुत्री के पास भेजा। देवर्षि नारद ने जब शैलपुत्री को भगवान शंकर को अपना पति बनाने के लिए प्रेरित किया तब देवी शैलपुत्री ने भगवान शंकर को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्ष तक इतनी कठोर तपस्या की कि तीनों लोक में हाहाकार मच गया। दोस्तों, देवी शैलपुत्री की वो तपस्या बड़ी ही अभूतपूर्व थी। ऐसी कठोर तपस्या कभी कोई नहीं कर पाया था, इस कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ गया था। देवी दुर्गा के इस ब्रह्मचारिणी स्वरूप के राइट हैंड में जपकी माला और लेफ्ट हैंड में कमंडल रहता है। इनके उपासना करने वाले मनुष्य कठिन से कठिन संघर्षों में भी अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ दुर्गा की तीसरी शक्ति चंद्र घंटा की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के स्वरूप के मस्तक पे घंटे के आकार का अर्धचंद्र है, इसी कारण इन्हें चंद्र घंटा देवी कहा जाता है। दोस्तों, लायन पर सवार देवी चंद्र घंटा के 10 हाथ हैं और उनके 10 हाथों में अस्त्र और शस्त्र विराजमान है। देवी चंद्र घंटा की मूर्ति देखने में ऐसी प्रतीत होती है जैसे कि वो युद्ध करने के लिए तैयार हो। नवरात्रि की उपासना में तीसरा दिन बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि देवी चंद्र घंटा शीघ्र फल देने वाली देवी है। इनके कृपा से भक्तों को जल्द ही अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होने लगते हैं। दिव्य सुगंधों का अनुभव होने लगता है तथा तरह तरह की दिव्य धनिया सुनाई देती है। देवी अपने भक्तों के सारे पाप और बाधाएं नष्ट कर देती है और अपने भक्तों की इच्छाएं वो जल्दी पूरा कर देती है। देवी के चौथे स्वरूप का नाम है कुष्मांडा। जब हमारी इस सृष्टि का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों तरफ बस अंधकार था, तब इन्हीं आदि शक्ति माँ दुर्गा ने इस ब्रह्मांड की रचना की। अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए ही आदि शक्ति के इस स्वरूप को कुष्मांडा देवी के नाम से पुकारा जाता है। इनका निवास सूर्य लोक के भीतर के लोक में है, इसीलिए इनकी प्रभा सूर्य के समान है। इस ब्रह्मांड की सभी प्राणी और वस्तुओं में स्थित तेज इनकी छाया है। लायन पर सवार इनकी 8 हाथ हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी भी कहा जाता है। संस्कृत में कुष्मांडा यानी कुमेर कद्दू को कहा जाता है। देवी को कद्दू की बलि सर्वाधिक प्रिय है। इनकी उपासना से भक्तों के सारे रोग और शोक नष्ट हो जाते हैं और आयु बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। नवरात्रि के 5वें दिन माँ दुर्गा का स्वरूप स्कंद माता की पूजा की जाती है। भगवान स्कंद कुमार, जिन्हें भगवान कार्तिकेय भी कहा जाता है, उनकी माता होने के
कारण माँ दुर्गा के इस पांचवें स्वरूप को स्कंद माता के नाम से कहा जाता है। इनकी मूर्ति में भगवान स्कंद जी बाल स्वरूप में विराजमान हैं। इनके चार हाथ हैं। स्कंद माता कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं। इसीलिए इन्हें पद्मसना देवी भी कहा जाता है। इनकी पूजा करने से बाल स्वरूप स्कंद भगवान की भी पूजा हो जाती है। देवी के छोटे स्वरूप का नाम है देवी कत्तायनी। पूर्व काल में कत नाम के एक महाऋषि थे जिनके पुत्र थे ऋषि कत्तिया। इन्हीं ऋषि कत्तिया के गोत्र में ऋषि कत्यान उत्पन्न हुए थे। ऋषि कत्यान ने बहुत सालों तक माँ की आराधना की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर में पुत्री रूप में जन्म ले। दोस्तों कहा जाता है कि जब महिषासुर का वध करने के लिए ब्रह्मा विष्णु और महादेव तीनों ने अपने तेज के अंग से माँ दुर्गा को उत्पन्न किया था, तब महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम उन देवी दुर्गा की पूजा की थी। इसी कारण से देवी दुर्गा का ये स्वरूप देवी कात्यायनी कहलाता है। और ये मानना है कि ये देवी ही कात्यायनी के रूप में ऋषि कात्यायन के घर में उत्पन्न हुई थी। इनके चार हाथ हैं। माँ कात्यायनी अपने भक्तों को चारों फल अर्थात धर्म काम अर्थात धर्म काम और मोक्ष प्रदान करती है। नवरात्रि के सातवें दिन माँ दुर्गा की स्वरूप काल रात्रि की पूजा की जाती है। देवी के शरीर का रंग घने अंधकार की तरह काला है। सर के बाल बिखरे हुए हैं और इनकी तीन नेत्र हैं। इनकी नाक से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती हैं। गधे पर सवारी करने वाली काल रात्रि माँ के राइट हाथ पर ऊपर की तरफ मतलब बर मुद्रा है और नीचे की भुजा अभय मुद्रा में है। ऊपर की भुजा में खड़ग और नीचे वाली भुजा में लोहे का कांटा है। माँ सदैव शुभ फल प्रदान करती है, इसी कारण इनका नाम शुभंती भी है। दानव भूत प्रेत राक्षस आदि इनके शरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। इनके भक्तों को जल भय अग्नि भय जंतु भय शत्रु भय रात्रि भय आदि कभी नहीं होती है। देवी के आठवीं स्वरूप का नाम है महागौरी। इनका रंग पूर्णता गौर है। इनकी गौरता की उपमा शंख चक्र चंद्रा और कुंत के फूल से दी गई है। देवी महागौरी की आयु 8 साल की मानी गई है। इनके वस्त्र और आभूषण भी श्वेत रंग के हैं। वृषभ पर सवारी करने वाली देवी की चार हाथ हैं। देवी महागौरी ने जब पार्वती रूप में भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए इन्होंने जब कठोर तप किया था तब इनका रंग काला पड़ गया था। फिर महादेव ने इनके शरीर को गंगा जल से मल कर धोया तो इनका शरीर विद्युत के समान कांतिमान हो उठा। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ गया। इनकी उपासना से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। माँ की नौवीं स्वरूप का नाम है सिद्धिदात्री। ये देवी सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। इनकी कृपा से ही महादेव की आदि शरीर स्त्री का हो गया था और वो संसार में अर्धनारीश्वर के नाम से जाने गए थे। इनके भी चार हाथ हैं। इनकी उपासना पूर्ण करने के बाद भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है।